गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय सेल्फ महेश कुमार सिंह। जैसे कि आपको इसमें पता है कि सारे ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई हैं और अभी हम लोग को ऑनलाइन क्लास का ही सहारा लेना है। एनीवे, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग का टॉपिक मिला था डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट दो टॉपिक कवर कर लेंगे। थर्ड टॉपिक है आपका प्रेसबाइपियम। प्रेसबाइपियम क्या होता है? हम लोग जैसा जानते हैं कि अगर कोई एक ओल्ड आदमी है, समय के साथ क्या होता है, उसके आंखें थोड़ा सा देखने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, टाइम के साथ कम होती चली जाती है। तो द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई यूजली डिक्रीजेस विद एजिंग, मतलब एक समय के साथ जैसे जैसे आदमी ओल्ड होता चला जाता है, उसकी देखने की क्षमता, एकोमोडेशन मतलब क्या है, देखने की जो आपकी पावर है वो क्या होती है, धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाती है। ड्यू टू विच फॉर मोस्ट पीपल नियर पॉइंट्स ग्रेजुअली रेसेड्स अवे एंड बिकम डिफिकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली। इससे क्या, इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि आपका जो भी ओल्ड पर्सन होगा, एक समय के साथ वो क्या होगा, उसको भी जो उसके पास में देखने की जो क्षमता होती है वो धीरे क्या होती है, रिसेट्स अवे, मतलब वो कम होती चली जाती है। ठीक, या हम ये कह सकते हैं कि समय के साथ वो नियर पॉइंट्स उसका क्या होता है, आपका अदूर होता चला जाता है। एंड बिकम पेपर टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपको जो पास का ऑब्जेक्ट होता है उसको देखने में क्या होती है, थोड़ी सी कठिनाइयाँ होने लगती है। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड प्रेसबाइपिया। ठीक, अब आते हैं इसके काजेज। इसके काजेज क्या क्या हो सकते हैं, इसके मोस्टली आपके यहाँ दो काजेज बताए गए हैं। पहला है द वीकनेस ऑफ सिलियरी मसल्स इन ओल्ड एजेस, मतलब आपके जो ओल्ड एज पर, ओल्ड एज में आपकी जो सिलियरी मसल्स होती है आंखों की, वो आपका क्या हो जाती है, धीरे समय के साथ कमजोर पड़ती चली जाती है। दूसरा, डिक्रीज इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंसेज। दूसरा रीजन ये हो सकता है, क्रिस्टलाइन लेंसेज में जो आपका फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो समय के साथ क्या होता है, वो भी डिग्रीज होता चला जाता है। थैंक यू। आइए नेक्स्ट टॉपिक है अपना, इसका करेक्शन, मतलब इस दोष को हम दूर कैसे कर सकते हैं। इसके दो तीन तरीके हैं। पहला टॉपिक है फॉर करेक्शन ऑफ द प्रेसबाइपिया बाय फोकल लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ और पावर कैन बी यूज इन द स्पेक्टल्स। इसका मतलब ये है, अगर हमको कोई प्रेसबाइपिया से कोई ग्रसित आदमी है, अगर उसको हमको ये बीमारी दूर करना है, उसके लिए हम एक बाईफोकल लेंस, इट मीन्स द्वितीय लेंस यूज कर सकते हैं, जिसमें हम एक सूटेबल फोकल लेंथ के द्वारा या एक सूटेबल पावर के द्वारा हम लोग उसके इस प्रॉब्लम को चेंज कर सकते हैं, या हम उसको स्पेक्टल्स में यूज करके इस प्रॉब्लम को लोग, या डिफिकल्टीज को लोग उसको खत्म कर सकते हैं। दूसरा, इन बाईफोकल लेंसेज अपर पार्ट ऑफ स्पेक्टल्स इज ए कॉन्केव लेंस फॉर करेक्टिंग विजन एंड लोअर पार्ट इज ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर करेक्टिंग क्लियर विजन। इट मीन्स ये, अब ये जो बाईफोकल लेंस होगा, तो स्पेक्टल्स में दो पार्ट होते हैं, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, इससे क्या होता है, इससे आपका क्या होता है, आपका विजन जो होता है वो बहुत क्लियर दिखाई देता है, करेक्ट विजन। और लोअर पार्ट में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, आपके नियर विजन, मतलब पास की चीजों को क्या करता है, वो और करेक्ट करता है। एक और तरीका है, कुछ लोग इसको, इस डिफेक्ट को करेक्शन के लिए कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हैं या आई सर्जरी भी करवाते हैं। थैंक यू। नाउ अब इसको हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसको होता है क्या एक्चुअल प्रिज्म में। तो नाउ आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म में, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन देखने से पहले थोड़ा सा हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे एक हमने प्रिज्म लिया ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे आपको तीन फेस दिख रहा है, ए बी बी सी और ए सी। अब यहाँ पे जो जो टर्मोलॉजी दी गई है उसको हमने थोड़ा सा पॉइंट आउट नीचे कर दिया है, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगा इससे। यहाँ एक आपको दिख रहा है, एक रे है पी जिसको हमने इंसिडेंट रे बोला है, और एक रे दिख रहा है ई एफ जिसको हमने रिफ्लेक्टेड रे बोला है, और ये आपका इंसिडेंट रे और नॉर्मल एम एन डैश के बीच में एक एंगल बन रहा है आई, जिसको हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला है। सिमिलरली एंगल आर का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो किसके किसके बीच में, आप ई एफ और नॉर्मल एन एन डैश के बीच का एंगल है। तीसरा, आप एक रे दिख रहा है एफ एस जिसको हम लोग इमर्जेंट रे ऑफ लाइट बोलते हैं, और एक आपका दिख रहा है एंगल ई, तीसरा आपका दिख रहा है एंगल ई जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, राइट। एंगल ए यहाँ पे जो ए दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, प्रिज्म एंगल। और एक यहाँ पर आपको डेल्टा दिख रहा है, डी और डेल्टा दिख रहा है आपको फिगर में, ये क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। ये होता क्या है, ये आपका पी एच मतलब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच एंगल होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एक्चुअली इसको हो क्या रहा है। यहाँ एक रे पी है जो कि इंसिडेंट ऑफ वाइट लाइट रे है, ठीक,
ये क्या हो रहा है, ये आपका एयर से ग्लास में इंटर कर रहा है, कहां से, एविफेस से, ठीक। तो जैसे इंटर करेगा, इंटर करने के बाद ये क्या होगा आपका, जो कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये आपका एन एन डैश जो कि एक नॉर्मल है पॉइंट ई पर, उसकी तरफ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, राइट। तो ये थोड़ा सा आपका यहाँ बेंड हो गया, ठीक। तो यहाँ पे एक आपका इमरजेंट रे ऑफ लाइट ईएफ जिसको मैंने बोला दे रहा। अगेन अब ये आपका ईएफ एसी फेस से थ्रू आउट बाहर की तरफ जाएगा और दोबारा यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। अब क्या होगा, मीडियम आपका क्या हो जाएगा, अब आपका मीडियम ग्लास से एयर की तरफ हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ भी आपका क्या होगा, एक नॉर्मल एमएम डैश है, जिससे कि क्या होगा, ये आपका वहां अब नॉर्मल से क्या हो जाएगा, ये आपका थ्रू आउट थोड़ा सा दूर हट जाएगा, ठीक। जैसे करना आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में तो, वहां के जो भी डॉट थे मैंने बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी और है आपका, जो एंगल डी आया उसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हम इस स्प्रिंग को अगर हटा देते कि आपका रे ऑफ लाइट जो पी था डायरेक्ट सीधे पी एच की तरफ आगे बढ़ जाता, और ये इमेजिन रे ऑफ लाइट जो कि एफ एस है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी अगर हम बैक पीछे की तरफ आगे बढ़ा, तो ये पॉइंट ये पी एच को पॉइंट जी पर जाकर इंटरसेक्ट करेगा, राइट। तो यहाँ पे आपका एंगल फॉर्म हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे एंगल डी या डेल्टा एंगल भी होते हैं, इसको एंगल ऑफ डिविजन बोलते हैं। तो ये आप फाइनली आपका ये एंगल ऑफ डिविजन बन गया, जो कि किसके बीच बनता है, ये आपका पी एच जो कि आपका इंसिडेंट रे था, और दूसरा किसके बीच बना, जी एच जो कि आपका क्या था, इमरजेंट रे ऑफ लाइट, इन दोनों के बीच का एंगल बन गया। थैंक यू।